गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर 3, पेज नंबर है 36। सी, क्वेश्चन सी, पुट साइन। 1, 46-51। बच्चों ये बड़ा है 46 या 51? अगर आपको काउंटिंग आती है तो आप इजीली बता सकते हैं कि 46 बड़ा है या 51। जो डिजिट बड़ी है उन दोनों में से, उनके सामने ये आपने ओपन साइन बनाना है। अब 51 बड़ा है तो आप उनके सामने ये साइन बनाएंगे। क्वेश्चन सेकंड, 67-70, कौन सा बिग है बच्चों? 70 के सामने आप ओपन साइन बनाएंगे। क्वेश्चन 3, 46-39, 46 बड़ा है, 46 के सामने आप ये ओपन साइन बनाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, 13-9, 13 बड़ा है या 9? 13 बड़ा है तो उसके सामने आप ये ओपन साइन बनाएंगे। इसी तरीके से बच्चों ये दोनों क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट भी सेम है, मैं आपको 2 क्वेश्चंस करा देती हूँ। देखिए ये भी बच्चों आपको ऐसे ही करना है। नेक्स्ट है डी, फिलिंग इन द ब्लैंक्स विथ पुट साइन। फर्स्ट है 39-48, कौन सा बिग है बच्चों? 48, तो 48 के सामने आपने ये ओपन साइन बनाना है। सेकंड है 56-38, कौन सा बिग है बच्चों? 56 के सामने आपने ये ओपन साइन बनाना है। क्वेश्चन सी एंड क्वेश्चन डी सेम है, ये आपने खुद करनी है। अब है आपका क्वेश्चन ई, राइट द ग्रेटेस्ट नंबर इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर्स। आपको इसमें 4 नंबर्स दिए गए हैं। अब आपने इसमें बताना है कि जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो कौन सा है, और जौन सा है उसको आपने मिड में लिखना है। 74 बड़ा है, 89 बड़ा है, 86 बड़ा है या 70 बड़ा है। इन 4 डिजिट में से जो डिजिट बिग है उसको आपने मिड में लिखना है। अब 89 बिग है तो आप 89 लिखोगे। नेक्स्ट है बी, क्वेश्चन 2, 30-60-50-70। इन 4 डिजिट में से जो बिग है वो आपने मिड में लिखनी है। 70 बिग है तो 70 लिखेंगे आप। 3, 90-85-60-55, कौन सा बिग है बच्चों? 90, तो आप यहाँ पे 90 लिखेंगे। क्वेश्चन 4, 42-92-63-37, कौन सा बिग है बच्चों? 92। क्वेश्चन 5, 41-45-37-62, कौन सा बिग है बच्चों इसमें से? 62। अब है 6, 19-32-23-18, कौन सी बिग डिजिट है बच्चों? 32, तो आपने यहाँ पे 32 लिखना है। अब हमने इसमें हमें क्वेश्चन में पूछा था ग्रेटेस्ट नंबर। अब हम क्वेश्चन एफ देखेंगे, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर्स। अब हमें इसमें स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, मतलब कि छोटा, इसमें से जो छोटा है उसमें हम फ्लावर्स में सेंटर में लिखेंगे। 25-38-40-15, कौन सा स्मॉल है वो हम इसमें लिखेंगे, 15। क्वेश्चन 2, 15-18-19-23, कौन सा स्मॉल है बच्चों? 15, तो हम 15 लिखेंगे। क्वेश्चन 3, 40-60-52-36, कौन सा स्मॉल है बच्चों? 36, तो 36 लिखेंगे। नेक्स्ट है 64-84-70-51, कौन सा स्मॉल है बच्चों? 51, तो हम इसमें 51 लिखेंगे। 90-92-78-85, कौन सा स्मॉल है बच्चों? 78, तो 78 लिखेंगे। नेक्स्ट है 67-82-60-99, कौन सा स्मॉल है बच्चों इसमें से? 60, तो 60 हम इसमें लिख देंगे। बहुत ही इजी है बच्चों, आपको ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने ध्यान से क्वेश्चंस किए तो। क्वेश्चन जी, अरेंज द नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर्स। असेंडिंग ऑर्डर्स का मतलब होता है स्मॉलर टू ग्रेटर, छोटे से बड़ा।
अब हमने इसमें देखनी है कि स्मॉल डिजिट कौन सी है, 64 है, 47 है या 80 है। 47 है तो सबसे पहले हम 47 लिख देंगे, फिर हम इसे कट कर देंगे ताकि मिस्टेक ना हो। अब है 64 और 80, अब आप कौन सी डिजिट लिखेंगे, 64। इसको लिखकर यहाँ पे कट कर देंगे, जो रिमेनिंग है उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट है 46, 93, 58, कौन सी स्मॉल है बच्चों, 46, तो पहले हम 46 लिखेंगे, इसे कट कर देंगे। फिर कौन सी स्मॉल है, 58 लिखेंगे, देन जो बची वो हम लिख देंगे। 42, 25, 89, कौन सी स्मॉल है बच्चों, 25, तो सबसे पहले 25 लिखेंगे, फिर आ जाएगा 42 लिखने के बाद हम 89 इसमें लिख देंगे। असेंडिंग ऑर्डर में पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन एच, अरेंज द नंबर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर्स। इसमें करते हैं ग्रेटर टू स्मॉलर, बड़े से छोटा, 23, 38, 14, इसमें अब कौन सा बड़ा है, 38, तो सबसे पहले हम 38 लिखेंगे, फिर इसे क्रॉस कर देंगे, फिर 23 बड़ा है या 14, 23, तो हम यहाँ पे 23 लिख देंगे, देन उसके बाद हम 14 लिख देंगे। नेक्स्ट है 26, 71, 89, जो बिग है वो डिजिट लिखेंगे, 89 लिखेंगे पहले, इसे कट कर देंगे, फिर देखेंगे 71 या 26, 71 लिख देंगे, देन उसके बाद 26 लिख देंगे। नेक्स्ट है 30, 50, 70, कौन सी लिखेंगे सबसे पहले हम बच्चों, 70, फिर उसके बाद 50, देन उसके बाद 30, ये आपके डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर हैं। अब लिखना है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ईच टाइम, यहाँ पे आपको ग्रेटेस्ट नंबर दिए गए हैं और आपने सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। 84 यहाँ पे आ गया, अब हम देखेंगे 53 बड़ा है 46 या 35, 53 तो 53 लिखेंगे, फिर उसे कट कर देंगे, फिर 46 लिखेंगे, देन उसके बाद हम 35 लिखेंगे, इसमें हमने ग्रेटेस्ट नंबर लिखने हैं। ठीक है बच्चों, जैसे आपने डिसेंडिंग ऑर्डर करें वैसे ही आपको ये करना है। देखिए असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर जो आपने यहाँ पर करे थे ये सेम है, आपको ये खुद करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है, मेंटल मेंस एंड रिविज़न वर्कशीट, ये आपको खुद करनी है इसमें फिल करके। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।